हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बारबी फ्रेंड्स। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं कैन डॉल कलेक्शन लेके आऊं, बट मैं कलेक्शन इसीलिए नहीं लेके आ पा रही थी क्योंकि मेरे पास बहुत कम कैन डॉल्स हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास अभी 6 हैं, बट एक्चुअली मेरे पास 7 डॉल्स हैं कैन वाली, बट वो मुझे अभी एक मिल नहीं रहा है। और इनमें से दो की आप देख रहे होंगे इनके पास हेड नहीं है। एक्चुअली इस डॉल का हेड मुझे अभी नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं इसे बिना हेड के ही आपको दिखा रही हूँ। दोस्तों, ये वाली जो आप डॉल देख रहे हैं ये कैन डॉल है, ये बिना हेड के आई थी। ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी। ये ऑलमोस्ट एक मेड टू मूव कैन की तरह है, बट इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो मैं आपको बताऊँगी आगे चल के। और बात करते हैं अभी इन बाकी कैन्स की। इनमें से सिर्फ एक ही कैन मिसिंग है, बाकी इन टोटल मेरे पास सिर्फ 7 कैन्स हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले इस वाले कैन की। ये मेरे पास जो एल्सा वाली डॉल होती है, एल्सा है ना, उसमें आया था उसका पैर बनके, और मैंने इसको बाबूजी वाला लुक दिया है क्योंकि हमारी बहुत सारी वीडियोस में ये वाला लुक बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए मैंने परमानेंटली इसको एक लुंगी पहना दी है बना के, और एक ऊपर से कुर्ता पहना दिया है। और ये बहुत ज़्यादा ईजी है बनाने के लिए, बस मैंने इसको, ये देखिए मैंने ये बहुत टेम्पररी स्टिचिंग करी है। ये देखिए मैंने पीछे वॉलक्रो लगाया हुआ है। ये देखिए मैं इसको निकाल के दोबारा पहना भी सकती हूँ, और या फिर किसी और कैन को मुझे पहनाना है तो वो भी कर सकती हूँ। इसकी जो मैंने ये मूछ बनाई है वो मैंने जो टेप आती है इलेक्ट्रिसिटी वाली ब्लैक कलर की, मैंने उससे बनाई है। ये बहुत ईजिली निकल भी सकती है। बात करते हैं इसकी धोती की, तो वो मैंने यूट्यूब से देख के बनाई थी, बहुत ज़्यादा ईजी है। ये मुझे एक सेट आया था, ये सेट मैंने लिया था ऑलमोस्ट आई थिंक 899 का, उसमें ये मुझे मिला था। ये मैंने, मेरा लेने का रीज़न सिर्फ ये था क्योंकि इसके हैंड मूव होते हैं, बस सिर्फ मैंने इसलिए लिया था, और इसकी शक्ल थोड़ी डिफरेंट थी। दूसरा है ये वाला, ये हेड मैंने दूसरे वाले कैन का लगाया हुआ है, ये बॉडी दूसरे वाले की है। ये वाला कैन आई थिंक मैंने 420 या फिर 699 में से, जो मैंने दो सेट लिए थे उनमें से कोई एक है। इसके हैंड्स मूव नहीं होते हैं, ये इसका बहुत बड़ा डीमेरिट है। फिर मैं इसकी बात में सबसे लास्ट में करूँगी। मैं बात करती हूँ इस वाले कैन की। इसका जो सूट है ये मैंने खुद बनाया था, ब्लैक कलर का, मेरे पे थोड़ा कपड़ा था तो मैंने उससे बनाया था। ये बो भी मैंने उसी से बनाई थी, और पैंट इस कैन की पहले से ही आई थी। कैन डॉल मेरे पे बहुत कम है, और मैं आपको दिखा दूँ कि इसकी टांग टूटी हुई है इस वाले कैन की, इसीलिए मैंने यहाँ पर टेप भी लगा रही है अगर आपको दिख रही होगी तो। इसीलिए मैं बहुत टाइम से कैन डॉल लेना चाहती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टोरी में यूज़ होते हैं, बट मेरे पास थे नहीं, और मुझे इसकी शक्ल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है बाकी सारे कैन डॉल से। और दूसरी बात कि इसके हैंड मूव होते हैं, ये मेरा सबसे फर्स्ट कैन डॉल है, और जो ये हेड है ये दूसरे कैन का है, इस वाले का। ओके, ये जो बॉडी है ये इसकी है, एंड जो ये इस ये वाला मेरा कैन है इसकी मुझे सर नहीं मिल पा रहा है, वो पता नहीं मुझसे खो गया है, और ये मूवेबल है। फिर बात करती हूँ मैं इस वाले कैन डॉल की, ये भी मूवेबल है। मेरा कैन डॉल ख़रीदने का रीज़न सिर्फ यही था कि उसके हैंड मूव होने चाहिए, उसके पैर मूव होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मेरे पास जो डॉल्स हैं वो मूवेबल ही हैं, तो इसीलिए मूवेबल कैन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड ये वाली डॉल भी मेरी बहुत ज़्यादा पुरानी है, मेरे फर्स्ट कैन के साथ ही ये कैन डॉल है। ये बिल्कुल देखिए अंदर से बिल्कुल खोखला है, ये देखिए, ये देखिए ये अंदर से बिल्कुल खोखला है। ये बहुत सस्ता वाला है, एंड मुझे इसका प्राइस भी नहीं याद है, बट मैंने कितने का लिया था, बट ये बिल्कुल खोखला है अंदर से, देखिए। ये बहुत टेम्पररी जुगाड़ है अगर आपको कैन डॉल चाहिए तो, और आपको बहुत सस्ते में चाहिए तो, ये बहुत सस्ता वाला है, मुझे इसका प्राइस बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। और जो इसने कपड़े पहने हुए हैं वो उसने बारबी डॉल के कपड़े पहने हुए हैं, इसके कपड़े बहुत ज़्यादा ऐसे आए थे नॉर्मल से। एंड अब मैं बात करती हूँ इस वाले कैन की, जो आपको लग रहा होगा कि ये मेड टू मूव है। देखिए इसके हैंड कहाँ तक जाते हैं, ये देखिए, ये देखिए इसके हैंड पूरे मुड़ जाते हैं, बट जो बुरी बात है इसके हाथ यहाँ पे नहीं आते, इसके चेस्ट पे, जो हमें ज़्यादातर यूज़ करना होता है, देखिए नहीं आ पा रहे इसका। हाँ, ये रिस्ट भी मूव होती है, ये देखिए, बट
इसके हाथ यहाँ पे नहीं आ पाते हैं, जो कि हमारे मेड टू मूव डॉल होती हैं उसके यहाँ पे भी एक कट होता है, इसमें नहीं है। बात करती हूँ मैं इसके पैरों की, ये देखिए इसके पैर, ये देखिए ये पूरे यहाँ पे टच हो रहे हैं इसके बैक तक। ये मूवेबल तो बिल्कुल है, बट इसमें मेड टू मूव हम इसे तब बोल सकते थे अगर इसके यहाँ पे इसके आर्म्स में भी हल्का सा यहाँ पे कट होता और वो भी यहाँ से मूव होता, फिर इसका हाथ इसके सर पे या इसके कानों पे या हर जगह जा सकता था। ओके, तो ये कम्प्लीटली मूवेबल कैन नहीं है। अब आप लोग इसका प्राइस सोच रहे होंगे कि इसका प्राइस क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका प्राइस है 500 रुपीज़। ये मैंने अमेजोन से लिया था आई थिंक, और इसके साथ हेड नहीं आया था, हेड नहीं आया था इसके साथ, और ये बिल्कुल नेकेड आया था जैसा आप देख रहे हैं इसको, इसके साथ कोई कपड़े नहीं आए थे। तो दोस्तों ये है मेरा कैंडल कलेक्शन, आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कलेक्शन कैसा लगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।